अप्रैल में Redmi Note 9 का अनावरण करने के बाद Xiaomi अब बजट नोट लाइनअप को भारतीय बाजार में लाने की कोशिश कर रहा है। हमने पहले ही कई लीक और अफवाहों के बारे में सुना है जो एक निकटवर्ती भारतीय लॉन्च की ओर इशारा करते हैं। कहानी में एक और विकास ने इस तथ्य को और अधिक मजबूत कर दिया है कि डिवाइस भारतीय लॉन्च के करीब पहुँच रहा है। Xiaomi Redmi Note 9 का भारतीय संस्करण अब Wi-Fi Alliance लिस्टिंग पर सामने आया है। लिस्टिंग के अनुसार डिवाइस Android 10 और Dual Band Wi-Fi कनेक्टिविटी के साथ आएगा। चूंकि डिवाइस पहले से ही आधिकारिक है, इसलिए हम इन दो पहलुओं सहित इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। याद करने के लिए, Xiaomi Redmi Note 9 1080x2340 पिक्सल के साथ 6.53 इंच के IPS LCD पैनल से लेस है। डिस्प्ले पंच होल कटआउट हाउसिंग फ्रंट सेल्फी सेंसर के साथ आता है। हम 4GB रैम और 128GB ऑनबोर्ड मेमोरी के साथ MediaTek Helio G85 चिपसेट देख रहे हैं। यदि यह पर्याप्त नहीं है तो आप इसे हमेशा microSD कार्ड के माध्यम से अपग्रेड कर सकते हैं। अधिकांश उपकरणों की तरह ही इसमें 48 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, 1.8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड लेंस और 2.2 मेगापिक्सल सेंसर के साथ एक क्वाड रियर कैमरा मॉड्यूल है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए एक सिंगल 13 मेगापिक्सल फ्रंट स्नैपर है। इन सभी को 18 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ 5020 mAh की बैटरी से इसका रस मिलता है। अन्य सुविधाओं में Android 10, Bluetooth 5.0, Dual Band Wi-Fi और इंफ्रारेड सेंसर शामिल हैं। WhatsApp ऐप को पहले ही डार्क मोड मिल चुका है। दुर्भाग्य से यह आधिकारिक तौर पर अभी तक WhatsApp वेब संस्करण पर लागू नहीं होता है। हालांकि थोड़ी ट्रिक के साथ आप वहां डार्क थीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भले ही सेवा के डेवलपर्स अभी भी उस पर काम कर रहे हों। यदि आपके पास WhatsApp वेब खुला है तो आपको बस राइट क्लिक करना चाहिए और मेनू से इंस्पेक्ट चुने, फिर पृष्ठ का कोड दाईं ओर और संपादन के लिए एक कंसोल दिखाई देता है। वहां आपको सबसे ऊपर स्ट्रिंग विल बॉडी क्लास वेब मिलेगा। वेब मूल विषय की श्रेणी है जिसे आप वर्तमान में उपयोग कर रहे हैं। बस इसे वेब डाक से बदले। जब आपने स्ट्रिंग को बदल दिया है तो एंटर टैप करके पुष्टि करें। WhatsApp वेब अब डार्क मोड उपयोग करेगा। जैसे ही आप टैब को बंद या रिफ्रेश करेंगे, यह अपने आप लाइट थीम पर वापस आ जाएगा। लेकिन हमें बहुत जल्द टॉगल स्विच की उम्मीद है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने Huawei को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, जिससे अमेरिकी व्यवसायों के साथ सहयोग लगभग असंभव हो गया है। नतीजतन चीनी कंपनी अब अपने स्मार्टफोन पर गूगल सेवाओं और एप्स को स्थापित नहीं कर सकती है। नए प्रतिबंधों की घोषणा करते हुए अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि उन्हें एहसास हुआ कि हवाई ने 2019 के बाद से लगाए गए प्रतिबंधों को सफलतापूर्वक दरकिनार कर दिया था। Huawei और 114 सहायक कंपनियों को तब ब्लैकमेल किया गया था, जिनकी आवश्यकता थी कंपनियों को अमेरिकी उत्पादों का निर्यात करने में सक्षम होने के लिए एक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए। अमेरिकी सरकार हालांकि इन नए प्रतिबंधों के आवेदन से पहले इस शुक्रवार से 120 दिनों की अनुमति देती है। हवाई या उसकी सहायक कंपनियों के लिए अर्धचालक बनाने के लिए अमेरिकी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाली विदेशी कंपनियां अभी भी 120 दिनों की अवधि के लिए पहले से उत्पादित अर्धचालक वितरित कर सकेंगी। यह कदम TSMC के लिए गंभीर समस्या खड़ी कर सकता है। Huawei की आपूर्ति करने वाले बड़े ताइवानी अर्धचालक विनिर्माण समूह